आज आपके सामने हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, दो कर्मी बट्टे 25% और 15% के बराबर एक संयुक्त बट्टा आपको ज्ञात करना है। कितने परसेंट के बराबर? 25% और 15% के बराबर एक संयुक्त बट्टा आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, माना अंकित मूल्य 100, कितना है? 100 है। हम मैथ में ऐसे ही करते हैं कि 100 मान लेते हैं, सवाल हमारा आ जाता है। तो मान लिया हमने भी कि 100 है, तो अंकित मूल्य आपका कितना हुआ? 100 है। प्रथम बट्टा कितना हुआ? प्रथम बट्टा कितना था? 25% था। तो प्रथम बट्टे के बाद हम मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम बट्टे के बाद का मूल्य, तो प्रथम बट्टे के बाद का मूल्य जो हमारा होगा वो 100 माइनस 25, क्योंकि पहला बट्टा हुआ कितना था? 25% था। इसके बाद का हमको मूल्य याद करना है, तो हमने अंकित मूल्य में से प्रथम बट्टा घटा दिया, तो 100 माइनस 25 ये बराबर आपका कितना आया? 75 आया। यानी कि ये जो 75 आया ये आपका अंकित मूल्य के बाद प्रथम बट्टे के बाद का मूल्य। द्वितीय बट्टा हमारा कितना भैया? द्वितीय बट्टा कितना है? 15% है। ठीक, द्वितीय बट्टे के बाद का हम अंकित मूल्य याद कर ले। द्वितीय बट्टे के बाद का अंकित मूल्य, ठीक है, तो द्वितीय बट्टे के बाद का जो हमारा अंकित मूल्य होगा, जो हमारा प्रथम बट्टे के अंकित मूल्य के बाद का मूल्य हुआ, उसको हम उस पर निकालेंगे। तो हमारा प्रथम बट्टे के बाद का मूल्य कितना हुआ था? 75 हुआ था। तो हम द्वितीय बट्टे के बाद का जो अंकित मूल्य होगा, इसे जो प्रथम बट्टे के बाद का जो मूल्य आया है उस पर हम रखेंगे। तो हो जाएगा 75 × 15 / 100। ठीक, अभी 75 × 15 / 100 इसको जो हम सरल करेंगे, हल करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 11.25। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11.25 हमारा आ जाएगा इसको सरल करने के बाद। और जब इसको सरल करने के बाद हमारा कितना आया? 11.25 रुपए। ठीक है, तो अब हमारा अंकित मूल्य कितना था? प्रथम बट्टे के बाद 75 था। अब 75 के बाद हम अंकित मूल्य दूसरे बट्टे के बाद का अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 75 − 11.25। ठीक है, अब ये बराबर आपका जो आ जाएगा, जो इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 63.7। कितना आया? 63.75 रुपया। एक आपका ये आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि 25% और 15% के बराबर एक संयुक्त बट्टा आपको हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संयुक्त बट्टा किसके बराबर? 25% और 15% के बराबर। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर हम कुल बट्टा निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अंकित मूल्य पर कुल बट्टा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अंकित मूल्य जो हमारा था कितना था? 63.75। ठीक है, ये इतना रुपया हमारा अंकित मूल्य था, तो इसको हम क्या करेंगे? 100 − 63.75 / 100 × 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर 100 − 63.75, इसको जो हम 100 में से 63.75 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 27.25%। हमारा जो संयुक्त बट्टा होगा, यानी 25% और 15% का जो मिलाकर के संयुक्त बट्टा होगा, वो हमारा कितना बट्टा होगा? 27.25% बट्टा होगा। यही आपका उत्तर हुआ। ओके।